पंजाब दे अंदर हड़ां की स्थिति है। हड़ां की स्थिति दे विच तुसी अजिहे घर भी होणगे जिहड़े पानी दे विच हड़दे नज़र आ रहे होणगे। जिहड़े इत्थे लोग जमीन लैणा चाहुंदे सी उहनां नूं वड्डे सुपने दिखाए गए कि इत्थे एक लेक वर्गी जगह होवेगी, स्ट्रीट लाइट्स ला के इत्थे एक वक्रे तरीके का माहौल बनाया गया कि लोग धड़ाधड़ इस जगह के उपर अपना वसेबा बनाउण। गैर कुदरती तरीके की वरतों की जाती है जदों लोगों के वलों, तो नतीजे बिल्कुल साढ़े सामने ने। घर जिहड़े हड़दे नज़र आए ने, घर ढह चुके ने। 2019 दे विच जदों मकान हड़ गए तो बड़ा माली जानी नुकसान होया, तो उसके बावजूद भी जेकर कह लो एडियां चल रही नदियां नूं एक छोटे नालियां दे विच जिहड़ा कन्वर्ट किया जिहदा सिट्टा उह भुगतना पिया। दुबारे फिर पानी ने कहा भी मैनू मेरा रास्ता दे दो, मेरे रास्ते विच ना अड़ो तुसीं। जिहड़े संबंधित महकमे हैगे जिहड़े फिर कलोनियां पास करदे हैगे जिहड़े कि डिवेलपमेंट चार्जिज लैंदे जां कंस्ट्रक्शन फीस लैंदे, भाई तुसीं देखो जे तुसीं बसना होवे इहो जिहे नदियां दे विच तुसीं बस जाओगे तो फिर नागरिक नूं तुसीं इहदी भेट चढ़ा रहे हो, स्वार्थी भेट चढ़ा रहे हो। शर्म करो, तुहाडे ते ही आस रखी है, तुसीं इदां करोगे तो फिर नागरिक जाएगा कि जिहड़े वड्डे वड्डे तनाड़ लोग सी उह ते लाहा लै गए। जिहड़ा एक उजाड़ वीआ बाण दी जिहड़ी जमीन सी उस नूं लखां करोड़ां पैसिआं दे वट्टे इत्थे उहनां लोकां नूं वेच के, ते खासकर जिहड़े लोग इत्थे रहण वाले ने जां इत्थे घर बणा के पक्के तौर ते वसेबा करन वाले ने, की इहनां दे ध्यान दे विच नहीं सी इह गल? तो कंसर्न डिपार्टमेंट पास कर देवे, किसी ने मतलब पास कर दी वो चीज़ तो उहदी कंस्ट्रक्शन फीस लै ली है, डिवेलपमेंट चार्जिज ले ले हैं, हाउस टैक्स ले ले हैं, तो हूँ नागरिक ये पढ़ाई करके आया है कोई भी बंदा पहले किदा वेरीफाई करे, कितों वेरीफाई करे? पटवारी फोन करके देखो चक लूगा पटवारी? नागरिक के उत्ते जेकर आप कही भी नागरिक का कसूर है, नागरिक का बनने की फीस दे सकता, उन्हें फीस दे दी है। हुण जिन्होंने पास कीतियां हैगियां उन्हां दा मतलब यह सी कि उन्होंने हाँ इस गल नूं यकीनी बनाया कि यह वाकई ही पास की जा सकती है, कलोनी इत्थे बन सकती है। पर इन्नी वड्डी कलोनी पास कर दित्ती ते इस गल दा प्रशासन नूं जां सरकार नूं इह पता ना लग सकिया कि असीं जिहड़ी जगह दे उपर कलोनियां बना के देण लगे लोकां नूं मौत दे विच मूंह दे विच पा देण लगे? गवर्नमेंट नूं पता ना लगे, डिपार्टमेंट नूं पता ना लगे, तो फिर उत्थे कुर्सी दे उत्ते उह बंदे नूं बिठाना चाहिए है तो जिहनूं पता हुंदा है कि काम कितना करना है। कुर्सियां ते उह बंदे बैठण जिहड़े कुर्सियां दे काबिल हैगे है, जिहड़े कि नदियां दे विच कलोनियां पास करन वाले है, इहो जिहे बंदे जान लेवा जिहड़े हैगे नागरिक दी बिल्कुल सीटां ते नहीं बैठने चाहिए। TV84 दे नाल जुड़े हो, मैं रजिंदर सिंह सबराज। जे गल कीती जावे तां पंजाब दे अंदर हड़ां दी स्थिति है। हड़ां दी स्थिति दे विच तुसीं अजिहे घर भी होणगे जिहड़े पाणी दे विच हड़दे नज़र आ रहे होणगे, पर अज अजिहियां तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां करनियां चाहुणा कि जिस तस्वीर दे विच देखोगे कि किसी शख्स दे वल्लों एक शहर दे नेड़ले पासे रहण दा सुपना मन दे विच लै के इस जगह दे उपर जमीन खरीदी जाती है, घर तैयार किया जाता है, तकरीबन लखां तों करोड़ां रुपया खर्चिया जाता है, तो वह जिहड़ा सुपना है साकार हुंदा नज़र नहीं आ रहा। तो इहदे विच खासकर जिहड़ियां अणगहलियां ने वह अणगहलियां ने इस कलोनी नूं कट्टण वाले लोगों दीआं, क्योंकि गैर कुदरती तरीके दे नाल जदों इत्थे लोग कुदरत की दुरवरतों करते हैं तो उस वक्त किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। बिल्कुल जिस जगह के उपर मैं खड़ा होया है इत्थे एक आरजी तौर पर पुल बनया हुआ, तो आरजी तौर पर जिहड़ा पुल बंद होने के कारण, क्योंकि इत्थे आरजी तौर पर पुल बंद होने के कारण जिहड़ा सी लोगों के सामने वड्डी चुनौती आई, और इत्थे सुपने जिहड़े इत्थे लोग जमीन लैना चाहुंदे सी उन्हां नूं वड्डे सुपने दिखाए गए कि इत्थे एक लेक वर्गी जगह होवेगी, स्ट्रीट लाइट्स ला के इत्थे एक वक्रे तरीके का माहौल बनाया गया कि लोग धड़ाधड़ इस जगह के उपर अपना वसेबा बनाउण। बिल्कुल अज इस जगह के उपर हाँ, और खासकर इहदे विच इह वी गल है कि जिहड़ियां जिम्मेदारियां खासकर प्रशासन दीआं हुंदीआं ने, ते उस जिम्मेदारी नूं मनुखता की सेवा करन वाला प्रभ आसरा ट्रस्ट उन्हां दे वल्लों कीतियां जा रही ने, भाई शमशेर सिंह दे वल्लों कीतियां जा रही ने, ते भाई शमशेर सिंह साडे नाल ने, असीं उन्हां दे नाल गलबात करन दा यतन करांगे। भाई साहब जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी, सब तो पहला वड्डा सवाल है, खासकर असल दे विच गैर कुदरती तरीके की वरतों की जाती है जदों लोगों के वलों, तो नतीजे बिल्कुल साढ़े सामने ने। घर
ਜਿਹੜੇ ਹੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਘਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਹੜ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਲੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਰਥੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏਗਾ, ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵੀਆ ਬਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾਓਗੇ, ਕੰਸਰਨ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਲੈ ਲਏ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ? ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੱਕ ਲੂਗਾ ਪਟਵਾਰੀ? ਕਾਨੂੰ ਕੋ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਏਗਾ? ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਨੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਦੀ 'ਚ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਰ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟ ਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਗੇਰ ਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜੇ, 10 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਲਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। JCB ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ 'ਚ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
पैसेज खोल दिए एकदम नीमा किन्ना करना हैगा जो कुछ सफाई करनी है असं आप सफाई थोड़े सुपरविजन च कर दिए भी तुम अपनी टीम भेज दो टैक्निकल बाबा जी एक वड्डा सवाल है जिस तरीके दे नाल जदों प्रशासन जी जां सरकार दे उपर बहुत वड्डे सवालिया चिन्ह लग जांदे ने जदों किसी ने घर तैयार करना हुंदा तां उहदी जगह नूं प्रूव करन वास्ते कई कंडीशन हुंदे ने गवर्नमेंट दे जां प्रशासन दे उहनां नूं पास करना पैंदा है पर इन्नी वड्डी कलोनी पास कर दित्ती ते इस गल दा प्रशासन नूं जां सरकार नूं इह पता ना लग सकिया कि असीं जिहड़ी जगह दे उपर कलोनियां बना के देण लगे हां लोकां नूं मौत दे विच मूंह दे विच पा देण लगे जे मतलब सरकार नूं नहीं पता लगदा ते गवर्नमेंट नूं पता ना लगे डिपार्टमेंट नूं पता ना लगे ते फिर उत्थे कुर्सी दे उत्थे वो बंदे नूं बिठालना चाहिदा है ते जिन्हों पता हुंदा है कि काम कितना करना है ठीक है इस करके मतलब जिहड़े पास करदे हैं ना इन्हां नूं नहीं पता हैगा ये सवाल मतलब एक्सैप्ट ही एक्सैप्टेबल ही नहीं हैगा कुर्सियां ते वो बंदे बैठे जिहड़े कुर्सियां दे काबिल हैगे हैं जिहड़े कि नदियां दे विच कलोनियां पास करन वाले हैं इहो जे बंदे जान लेवा जिहड़े हैगे नागरिक दी बिल्कुल सीटां ते नहीं बैठने चाहिए अदरवाइज नागरिक सेफ नहीं है ये किवें हो सकता भी उन्होंने पता ना हो बाबा जी एक वड्डा सवाल है जदों प्रभ आसरा संस्था की गल की जाती है तुसी तां जिहड़े लोग बेघर हो चुके ने जिन्हां दा कोई आसरा नहीं रहा ते तुसी उन्हां नूं लिजा के अपने घर दे विच प्रभ आसरा दे विच जाके जगह दिंदे हो पर इत्थे ते तुसी लोकां दी सेवा संभाल दूजे जिहड़ियां प्रशासन दीयां जिम्मेदारियां ने हुण प्रशासन दीयां जिम्मेदारियां भी तुसी निभा रहे हो फिर प्रशासन इत्थे नज़र क्यों नहीं आ रहा जी देखो जिहड़ी तुसी पहली गल कही है मैं उहदे विच बेनती करदा उह प्रशासन दी ड्यूटी सी बजुर्ग घर दे विच कल्ला पिया समाजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट दी समाजिक सुरक्षा दे मिनिस्टर भी हैगे प्रिंसीपल सैक्रेटरी भी हैगे एडिशनल सैक्रेटरी भी है वड्डी वड्डी हायरार्की सैक्रेटरी फिर डायरैक्टर डायरैक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन तो किन्नी वड्डी हरारकी थले जिले पद्धर से पता नहीं पंजाब के जिन्हें जिले हैं उन्ने समाजिक सुरक्षा अफसर किन्ने नोडल अफसर लगे हुए हैं तो मतलब वो तुसी की कहने भी प्रभ आसरे की ड्यूटी है वो प्रशासन की ड्यूटी है उस सरकार की ड्यूटी है जो कर रहे हैं असं सरकार की ड्यूटी है जो असं कर रहे हैं मतलब ये भी तो बेकार हो गए जो कोठियां गिर गई तो जो मतलब इस वे इन स्ट्रैस है फीयर इनसिक्योरिटी हैगी है भी हाई पानी आ गया हाई अंदर बढ़ गया पानी हाई खत्म हो गई कोठी तो गए बच्चा भी जिदा घर च मतलब इस तरह के माहौल के बीच मतलब दर्द है ना एक जेकर जो तो दर्द है किसी तो बजुर्ग तो है कोई बच्चा है कोई लड़की है कोई औरत है कली है सड़क पर रुल रहा है वो तड़फ रहा है हथ की गर्मी के भुखा प्यासा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा सिर पर छत नहीं है किसी दुखड़े सुनावे रोगों की भयंकर पीड़ा चल रहा वो एक दर्द है ना वह उस नागरिक का दर्द जोड़ा है जो थोड़ा दर्द दर्द देने लग जाता है फिर तुम मतलब थोड़े को रहा नहीं जाता इस करके ये दर्द जोड़ा भी हाँ ये जो हड़ रहे हैं तो इन्नी देर तो आप पिछले कह लो भी 18 तो 19 तो देखते आ रहे हैं भी कुछ भी नहीं अज तक मतलब कर सके असं इन्हों फिर हड़ा ही है हूँ मतलब ये सारा शहर ही हट जाएगा फिर तो भी नहीं वो गलती एक ही है ना भी जे उन्होंने तरस आया ज उन्होंने दर्द ने सानू दर्द दिता तो फिर इन्होंने दर्द सानू दर्द क्यों नहीं दूगा ये किवें हो सकता इस करके वो भी सरकार की ड्यूटी है भी सरकार की ड्यूटी मौजूदा समय दे विच जिहड़ी पंजाब दे विच सत्ताधारी धिर है भ्रिष्टाचार मुक्त करन दा दावा करदी है कि इस गल दे विच करप्शन नहीं कि लोगों नूं मौत दे मूँह दे विच पा दिता जांदा है किस तरीके की उन्होंने उपर कार्रवाई होगी जे असी प्रभ आसरा ट्रस्ट की गल करते हैं बाबा शमशेर सिंह की गल की जाती है तो उन्होंने लोगों को अपने घर पनाह देंगे ने प्रभ आसरा ट्रस्ट के पनाह देंगे ने जिहड़े लोगों का घर बेघर घरों बेघर हो गए ने कोई उन्होंने आसरा नहीं रहा पर इस जगह के उपर जिहड़ियां प्रशासन वाली जिम्मेदारियां ने प्रशासन वाली जिम्मेदारियां भी अदा करते नज़र आते हैं बाबा शमशेर सिंह प्रभ आसरा ट्रस्ट वालों किसी ने वोटा दे के नहीं जिताया सगों ये खुद लोगों की सेवा दे विच दिन रात तैनात ने जिहड़ियां जिम्मेदारियां प्रशासन दियां ने जिहड़े लोगों नूं पंजाब दे लोगों ने वोटा दे के जिताया जिम्मेदारियां तो उन्हां लोगों दियां ने पर उन्हां जिम्मेदारियां नूं खुद अपने हत्थां दे नाल दिन रात एक करके ड्यूटियां निभाउंदे नज़र आउंदे ने ते इधरले पासे खासकर मैं कैमरामैन नूं कहांगा कि तस्वीरां भी सांझियां कर दिओ बिल्कुल किस तरीके दे नाल इत्थे जिहड़े सेवादार ने अपनियां ड्यूटियां निभाउंदे नज़र आउंदे ने पर इह जिहड़े पूरे पाणी दे नाल मिट्टी दे नाल भरे होए ने मिट्टी दे नाल भरे होण करके इह जिहड़ा पुल है इह जिहड़े पूरे बंद हो जांदे ने ते उस तों बाद लोकां दे सामने वड्डी चुनौती हो जांदी है जदों पाणी आर पार नहीं हुंदा ते उस वक्त जिहड़े खासकर लोग ने उन्हां दे घरां दे वल्लों पाणी जाणा शुरू हो जांदा जिस तरीके दे नाल तस्वीरां दे विच वी तुहाडे नाल सांझा कीता है कि किस तरीके दे नाल इत्थों दे जिहड़े वसेबा करन वाले लोग ने जां उन्हां दे बनाए हुए जिहड़े घर ने
वो बुरी तरह के नाल नुकसाने गए ने, बहुत वड्डे सवालिया चिन्ह ने। आने वाले समय के देखना होगा और पंजाब के मुख्यमंत्री भी एक अपील की जाती है कि मानयोग मुख्यमंत्री साहब उन्होंने विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है, जेडे लोगों ने इन्हों के नाल किते ना किते जिहड़ा स्कैंडल किया है और इन्हां लोगों के वल्लों भी खदशा है कि साडे नाल बिल्कुल धोखा होया है। सानू वड्डे सुपने दिखा के एक उजाड़ बिया बाण दे पानी दे इलाके दे विच डोब दिता गया। भविख दे विच देखना होगा प्रशासन दे वल्लों सरकार दे वल्लों उन्हां दोषियों के विरुद्ध उन्हां वड्डे तनाड़ लोगों के विरुद्ध किस तरीके की कार्रवाई होंदी है। भविख दे विच वी गलबात लैके हाज़र होंदे रहांगे। धन्यवाद।